पांच साल में अगर दिखा दूंगा तो मैं तिस्मार खान तो हूं नहीं, वही ठेला ठेली वाले जो उनको वहीं पर एडजस्ट कर दूंगा। चाह भी रहे हैं कि मैं ही जीतूं, ऊपर वाले की भी ख्वाहिश है कि मैं ही जीतूं। पटना में नगर निगम का चुनाव चल रहा है और ऐसे में चुनावी जो रन है उसमें कई प्रत्याशी कूदे हैं, लगभग 3 दर्जन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अंसार अहमद जी, इनकी पत्नी मुसर्रत परवीन चुनावी मैदान में हैं। अंसार जी, क्या कहेंगे आप, चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या रणनीति रहेगी? काम करना है गरीबों के लिए, बस यही रणनीति हमारा बना हुआ है। मुद्दा क्या रहेगा आपका इस चुनाव में? हमारा मुद्दा कुछ नहीं रहेगा सर, मेरा मुद्दा रहेगा, मेरा बस सीधा सीधी एक छोटा सा मुद्दा है, गरीबों के लिए जितना मैं कर सकूंगा मैं करूंगा। और गवर्नमेंट का जो काम हो तो होना है, जो स्कीम आएगा वो तो काम होगा, उसको कोई रोक सकता नहीं है। और ये गरीबों के लिए कुछ स्कीम मैं बनाया हूँ जो निजी फंड से मैं करूँगा, निजी फंड से करूँगा, मेरी कैंडिडेट जो है वो करेंगे, निजी फंडों से करेंगे। तो निजी फंड से जैसे 100 गरीब बच्ची की शादी का वादा अभी है, इसका मैं अब कम से कम आंकड़ा भी की बताया, 100 सिर्फ अल्पसंख्यक तबके? नहीं, हर वार्ड से मैं लूँगा, हर समाज का लूँगा। तब तो हो गया, तब तो फिर तो आपको हम मदरसा खोल के अपने बैठ जाए, वहाँ चंदा वसूलें ना करें, ये काम नहीं है। समझ सकते, मैं मोहल्ला में आप हर समाज के लोग आप उनसे मिल लीजिए। हमारे घर के बगल में 4-5 घर लाला जी हैं जिनका पानी बंद हो जाता है, मोटर का ख़त्म जल गया सरकारी वाला, तो पानी आके हमारे यहाँ से ले जाती है, समझ गए ना। बस यही सब भावना है। जो आपने जो बात कही तो सड़कों पर भी पानी जमने की समस्या पूरे पटना में है, देखिए सर, नाली की समस्या। हाँ, तो इसका मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि इसको ठीक कर दूंगा। फैक्ट बात, मैं ज़्यादा झूठ फूट नहीं बोलता हूँ, चाहे मीडिया हो चाहे जो जहाँ भी मैं बोलता हूँ साफ सुथरी बात बोलता हूँ। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा तक कि वो सर पटना में 20 बरस से तो मेयर रह रहे हैं ना, वो 20 बरस में अगर नहीं कर सके, और हम मैं कर रहा हूँ कि मैं 5 साल में करके दिखा दूंगा, तो मैं तिस्मार खान तो हूँ नहीं, मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, छोटा मोटा समाज सेवी हूँ, समझ गए ना। बस यही बात है हमारे साथ। स्टेशन के आसपास वेंडिंग जोन की समस्या है, जो लोग दुकान लगाते हैं उससे अन्य समस्याएं होती है, उनको भी समस्या होती है और लोगों को भी, उसको लेकर क्या प्लान है? उसका प्लान है कि नगर निगम एरिया में जो हमारा पुल पुलिया है तो उसके नीचे छोटा छोटा दुकान 6x6, 6x8 इस तरह का दुकान बनाऊंगा, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, कंजेस्टेड हो जाए। और वो जो ठेला ठेली वाला सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, और वही ठेला ठेली वाले जो उनको वहीं पर एडजस्ट कर दूंगा सबको, ठीक है ना। यही मेरा प्लानिंग है उस गरीब के लिए। पानी की समस्या जो लगती है पटना में, तो इसके लिए कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मैं जहाँ तक कर सकूँ उसमें कोशिश लगे रहेंगे। चुनावी चिन्ह काफी अच्छा है, रेल इंजन, सभी लोगों ने रेल इंजन। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, ऊपर वाले जो है ना, ऊपर वाले चाह भी रहे हैं कि मैं ही जीतूं, ऊपर वाले की भी ख्वाहिश है कि मैं ही जीतूं। आप 32 चुनाव चिन्ह हैं, इससे बढ़िया कोई चुनाव चिन्ह के लिए 3200 में से बता दीजिए आप। नंबर वन पे भी हैं, तो नंबर वन का पोजीशन क्या चुनाव चिन्ह आपको भी मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरा देखिए, रेल इंजन जो हर आदमी की जिंदगी में काम आता है, हमेशा लोग करोड़ लाखों लोग यही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए बस रेल का इंजन लेके मैं निकल गया हूँ। तेल जो है उसमें 200 डाल के स्टार्ट कर दिए हैं, इंजन लगता हुआ जा रहा है बस। देखिए, जो वेंडिंग जोन की समस्या है पटना में, खास तौर पे स्टेशन के आसपास, इनका ये प्रमुख मुद्दा है, उन सभी दुकानदारों का स्थायी दुकान, इसलिए कि फुटपाथ की समस्या की वजह से जाम की समस्या पटना में ज़्यादा हो जाती है और ये मुख्य समस्या है। और साथ ही लगातार प्रशासन अतिक्रमण करता है तो उनके दुकान भी तोड़े जाते हैं, ऐसे में फिक्स तौर पे उनका स्थायी दुकान देना, और पटना में जो इन्होंने अपने फंड से कई जगहों पर काम किया है, और साथ ही बच्चियों की शादी को लेकर भी इनका पटना के अंदर प्लान है, 100 बच्चियों की शादी का प्लान पहला लक्ष्य है इनका, उसके बाद और भी बढ़ाए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।